माफिया ब्रदर्स के मर्डर के बाद जो है माहौल गर्म है पूरे यूपी का। फिलहाल जो शार्प शूटर थे उनमें से एक सनी हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यहाँ वार्ड नंबर 6 रामलीला मैदान के पास उसका घर है। वार्ड नंबर 10 है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग रहते हैं। फिलहाल हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने भयभीत हैं कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ भाई मेरे साथ बैठे उनसे बातचीत करते हैं। क्यों भैया, फैमिली मेंबर यहीं रहते हैं? उनका बड़ा भाई है पिंटू जो चाय समोसे की दुकान चलाता है, वो यहीं रहता है। बाकी उसका इससे 10-12 साल हो गए, जब से वो आया नहीं तब से संबंध छूट गया है, कोई मतलब नहीं है। और बाकी इनका संबंध कोई इससे रहा। फैमिली मेंबर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब डर है कि कोई किस बात का डर है कि कोई कुछ कह ना दे, कहने ना लगे। हाँ, क्या वो भी डरा हुआ है। भाई है, क्या नाम उसका? सनी। क्या करता था ये? ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले हमले भी दर्ज किया उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्नपन। और क्या पहले क्या किया करता उसने? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना? कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन जाके देखा नहीं है, छोटे थे जाके भग गया था बस। ओके सर। कि कहीं ना कहीं दहशत में है परिजन और इसी वजह से शायद वो बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रविंद्र निगम, News24 हमीरपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24.